भेज दो वहाँ आ जाएगा। कहाँ जाना है? एसडीओ साहब, एमएलसी चुनाव में सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे स्थानीय मंत्री विजेंद्र यादव, नीरज बबलू, शाहनवाज हुसैन, सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक रामविलास कामत ने वोट डालकर एनडीए के उम्मीदवार नूतन सिंह के जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी 24 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी। आपको बता दें कि सुपौल जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुपौल जिले में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी प्रखंड मुख्यालय में मतदान होना है। बताया गया है कि इस चुनाव में जिले में 2929 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इधर जिला प्रशासन हर मतदान केंद्र पर पहुंचकर जायजा लेने में जुटे हैं। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया था, जैसे असेंबली की चुनाव में, इस चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा निश्चित तौर से। हम लोग एकदम आश्वस्त हैं। देखिए, हमने वोट डाल दिया है और वोट मतदान तो गुप्त होता है, और ये भी हमें मालूम है कि पूरे बिहार में एक तरफा नतीजा हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पहली बार जो है एमएलसी चुनाव में, ऐसे हमने विधानसभा लोकसभा में तो बहुत बार वोट डाला है और उसमें मोहर होता है, और बाद में तो ईवीएम आ गया, लेकिन एमएलसी के चुनाव में हमने पहली बार वोट डाला है और हम सबको उम्मीद है कि हम लोगों के गठबंधन प्रत्याशियों का आरोप है, कुछ प्रत्याशियों का आरोप है कि धनबाद पूरी तरह 100% आश्वस्त हैं। एनडीए सरकार जिस तरह से पूरे राज्य में काम की है, तो एनडीए का हर एक प्रत्याशी पूरे बिहार में 2400 सीट हम लोग जीतेंगे निसंदेह। सर, धनबल और बाहुबल का प्रयोग करने का आरोप है। जो नहीं जीतते हैं, जिनको जनता का कोई समर्थन नहीं है, वो इसी तरह का आरोप लगाते हैं। बेचारा आरजेडी है या विपक्ष के जो लोग हैं, वो आरोप के भरोसे जिंदा है। 8% आश्वस्त हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, मैं तो 3-4 दिन तो मधुबनी जिला में भी था, वहाँ का भी भ्रमण किया, वहाँ भी एनडीए कैंडिडेट, वहाँ जेडीयू के कैंडिडेट हैं, वो जीत रहे हैं। तो एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए के अच्छे कैंडिडेट हैं, और जब तक हमारे विधान परिषद में भी यदि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत नहीं होगा, कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए असुविधा होती है। इसलिए जनता इस बात को जानती है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, भारतवर्ष में जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, और विकास के मामले में सबसे आगे हैं, और लोग विकास पर वोट दे रहा है, इस बात को लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। इसलिए हमारा जो है बिहार में एनडीए का जितना कैंडिडेट है जीत रहे हैं, और इसमें कोई दो बात नहीं है। मुझे भी अवसर मिला सुपौल प्रखंड में आज वोट गिराने का, क्योंकि मेरा सत्र दिल्ली में चल रहा था और मुझे ड्यूटी में भी कुछ मधुबनी